क्या आप जानते हो उत्तर भारत में 74% एडल्ट और दक्षिण भारत में 46% एडल्ट का विटामिन सी का कमी पाया गया है। विटामिन सी प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसका कमी से मसूड़े में खून आना, शरीर थका थका सा रखना, मांसपेशियों और हड्डी में दर्द हो जाना, इस टाइप का बहुत सारा कमी देखा गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरंजन कुंडू, आपका हमसफर और फार्मासिस्ट। आज आपको विटामिन सी यानी लिमसी का, या आप देख लीजिए, इसका रिव्यू करेंगे। आज हम जानेंगे जो लिमसी है इसमें क्या क्या चीज है, क्या होता है, इसका डोज क्या है और किस टाइम में ये खा सकते हैं, कितना दिन के लिए खा सकते हैं और इसका बेनिफिट्स क्या है, अगर इसमें कोई साइड इफेक्ट्स है तो वो क्या है और इसमें प्रिकॉशन क्या है, और लास्ट में हम जानेंगे जे आपका क्वेश्चन, और इसी वीडियो में हम इसका जवाब देंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं विटामिन सी क्या है। विटामिन सी या लिमसी ये एबॉट कंपनी द्वारा बनाया गया है। ये 15 टैबलेट का कीमत है सिर्फ 23 रुपया। ये च्यूअल टैबलेट है यानी इसको चबा के खाना पड़ता है। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है जिसे एल एस्कॉर्बिक एसिड नाम से भी जाना जाता है, जो आपका शरीर में विटामिन सी का कमी को पूरा करता है। विटामिन सी एक पानी में घुलनशील विटामिन है, इसीलिए इसको डेली बेस पे आपको लेना पड़ता है, क्योंकि ये हमारा शरीर इसको स्टोर नहीं कर पाता है और ना विटामिन सी को बना पाता है। अभी हम जान लेते हैं जो डेली अगर लेना है तो कितना मात्रा में विटामिन सी लेना चाहिए। अगर जो लोग संतरा, नींबू, कोई भी साइट्रस फ्रूट और पपीता या ब्रोकली या वेजिटेबल्स सफिशियंट नहीं खा पाते हैं, इसका विटामिन सी का कमी है, तो उसको रोजाना 500 mg कुछ खाने के बाद लेना चाहिए। कभी कभी खाली पेट में भी लिया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है जे आपने सुबह खाली पेट में आप खा लिए, नहीं, आपने खाना खाने का 1-2 घंटा बाद भी आप खा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे ये पानी में घुलनशील होने का नाते आप जब भी विटामिन सी लोगे चबा के खाने के बाद थोड़ा सा पानी पी लेना। विटामिन सी डेली आप लेते हो तो जो भी एक्स्ट्रा विटामिन है वो पेशाब द्वारा, यूरिन द्वारा ये निकल जाएगा, क्योंकि ये स्टोर नहीं कर पाता हमारा शरीर, इसीलिए इसका डेली खाना बहुत जरूरी है। अभी सवाल पैदा होता है कौन कौन खा सकता है, ये बच्चा, बड़े, बूढ़ा, जवान, घर में जो महिलाएं काम करते सारे लोग खा सकते हैं जिसका विटामिन सी का कमी हो जाता है। इवन बच्चे को भी ये दिया जा सकता है। और विटामिन सी यानी लिमसी मैक्सिमम से मैक्सिमम 2000 mg तक लिया जा सकता है। कई लोग इसको खाते रहते हैं क्योंकि ये बहुत स्वादिष्ट है, च्यूएबल भी है, लोग टॉफी का तरह इसको खाते रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। 500 mg आपके लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक एडल्ट के लिए सिर्फ आपको 90 mg पर डे जरूरत पड़ता है और महिला एडल्ट के लिए सिर्फ 75 mg का जरूरत पड़ता है। इसका बाद जो भी एक्स्ट्रा होता है वो यूरिन द्वारा निकल जाता है, तो इसलिए आप इसको ज्यादा खाने का कोशिश ना करें। अभी सवाल ये होता है कि कितना दिन तक तो खाना चाहिए। डॉक्टर नॉर्मली एक पत्ता देते हैं, इसमें 15 गोली होता है, आप डेली एक खाइए, फिर 7 दिन का गैप देके मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 महीना खा सकते हो। अगर ज्यादा दिन खाना हो या और कुछ स्पेशल कुछ प्रॉब्लम हो तो आप अपना डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। तो विटामिन सी जब इतना जरूरत है तो इसका बेनिफिट्स क्या है हम जान लेते हैं। विटामिन सी हमारा जो प्रतिरक्षा प्रणाली है इसको स्ट्रांग करने में बहुत मदद करते हैं। हमारा जो भी कनेक्टिव टिश्यू है, जैसा बोन टू मसल्स या मसल्स टू बोन, इसको बनाने में मदद करते हैं। हमारा जो भी ब्लड सेल्स है इस कोशिकाओं को भी बनाने में मदद करते हैं। पुराना जमाना में एक बीमारी था स्कार्वी रोग, आपने इसका स्टोरी सुना भी होगा। जो बहुत पुराना जमाना में जब इतना व्यवस्था नहीं था, लोग तब जहाज में यातायात करते थे, तो उस टाइम में इतने सारे सब्जी स्टोर करना मुश्किल होता था। बाद में देखा गया जो नौका में जो यात्री थे उसको गाम में सूजन आ गया है, खून बहने लग गया, तो साइंटिस्ट लोग रिसर्च करके पाया है ये और कुछ नहीं है, विटामिन सी का कमी के कारण हो रहा है। अभी खैर ये प्रॉब्लम इतना नहीं होता है, फिर भी जिसका खून आता है या सूजन हो जाता है तो डॉक्टर दूसरा दवाई के साथ विटामिन सी का दवाई जरूर देते हैं। आपको स्किन में अगर आपको ग्लो लाना है तो अब भी आपको विटामिन सी खाना बहुत जरूरी है।
आपका हेयर का प्रॉब्लम हो रहा है, स्काल्प जो है ड्राई हो रहा है, रुखा सुखा हो रहा है, तब भी आपको विटामिन सी खाना बहुत जरूरी है। आपका सेल डैमेज हो गया है तब भी विटामिन सी खाना बहुत जरूरी है। आपका इम्यूनिटी पावर भी कम हो रहा है तब भी विटामिन सी खाना बहुत जरूरी है। तो ये सारे इतने सारे बेनिफिट्स है, तो आप बोलोगे इसमें कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। देखिए हर चीज का बेनिफिट्स के साथ थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट भी देखा गया है, लेकिन विटामिन सी का मामला में इतने ज्यादा कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। नॉर्मल केस में जैसा मितली हो गया, उल्टी हो गया, सर में थोड़ा बहुत दर्द हो गया, और जिसको थोड़ा सा मेडिसिन से एलर्जी है उसको एलर्जिकल रिएक्शन या रैशेस भी हो सकता है। कई लोगों को थोड़ा यूरिन में प्रॉब्लम हो जाता है, कलर थोड़ा डिस्कलरेशन हो जाता है, किसी किसी को दस्त भी हो सकता है, पेट में जलन, पेट में ऐठन, ये सब समस्या हो सकता है, ये कुछ ही दिन में ठीक हो जाता है। कई लोगों को देखा गया जो सीवियर केस में ये बैक पेन हो जाता है, बैक पेन उन लोगों को होता है जो ज्यादा दिन तक खाते रहते हैं। तो इसीलिए ये थोड़ा सावधानी है, आप अपना डॉक्टर है उनसे सलाह लेके इसको जरूर खाना, सेल्फ मेडिकेशन मत करना और लगातार इसको खाना मत, ज्यादा से ज्यादा एक महीना खाइए, बीच में 7 दिन का गैप दे दीजिए। और इसमें विटामिन सी लिमसी का क्या प्रिकॉशन है, देखिए लिमसी जो है सबसे पहले जिसका किडनी का प्रॉब्लम है, पाथरी का प्रॉब्लम है, क्रॉनिक डिजीज है किडनी का, उनको विटामिन सी लेने से पहले डॉक्टर से जरूर सलाह कर लेना चाहिए। और जिसका एलर्जिक टाइप का हो जाता है, कोई भी दवाई खाते एलर्जी हो जाता है, उनको आप डॉक्टर को जरूर बताएं। जो लैक्टेशन मदर है, जो ब्रेस्ट फिट करते हैं, उसको भी आप देने का पहले डॉक्टर से जरूर सलाह करें। और जिसको डायबिटीज है उसको भी लिमसी देने का पहले जरूर सलाह करें। तो आप बोलोगे भाई इसमें ऐसा क्या चीज है, इसका कंपोजिशन क्या है? लिमसी में एस्कॉर्बिक एसिड 100 mg और सोडियम एस्कॉर्बेट 400 mg है, ये मिला के लिमसी 500 बाजार में उपलब्ध है। अभी आ जाते हैं FAQ यानी आपका क्वेश्चन और हमारा जवाब। क्या जब सर्दी खांसी होता है तो क्या लिमसी लेना चाहिए? देखिए सर्दी खांसी का दवाई ये लिमसी नहीं है, लेकिन सर्दी खांसी जिसको लगातार या कुछ दिन बाद होता रहता है उसको दूसरा दवाई का साथ लिमसी भी लेना चाहिए, डॉक्टर लिखते हैं, क्योंकि इसमें उनका इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो जाते हैं। कई लोग पूछते क्या एक दवाई का लत लग सकता है? देखिए ये दवाई में लत तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी लंबा टाइम के लिए इसको लेना नहीं चाहिए। कई लोग पूछते हैं क्या ये स्किन के लिए अच्छा है? है, ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है, कुछ दिन खाने के बाद आप ऑटोमेटिक देखोगे आपका स्किन भी ग्लो करने लग गए। कई लोग पूछते हैं क्या इसको खाली पेट में ले या खाने के बाद ले? नॉर्मल केस में हम बोलेंगे बिल्कुल जैसा रात में आपने खाना खाया, सुबह खाली पेट है, उठ के खा लिया, ऐसा मत करना। जो आपने कुछ खाना खा लिए उसका 1-2 घंटा बाद आप खा सकते हो। आशा करता हूँ आपको सारे जो डाउट्स है आपका क्लियर हो गया होगा। हमारा और एक चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ, प्लीज उसमें जाए और हेल्थ रिलेटेड वीडियो पाए। कई लोग पूछते हैं जे क्या मेरा कमजोरी है तो क्या खाली विटामिन सी में हो जाएगा? देखिए विटामिन सी आप ले रहे हो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका साथ अगर फिर भी आपको लगता है कि भाई कमजोरी है तो आप ये डेक्सोरेन सिरप है, इसका बारे में पूरा डिटेल्स वीडियो में दिया हुआ है, आप प्लीज ये वाला वीडियो देख लीजिए। अगर आपको लगता है ना मुझे थोड़ा थका थका सा हो रहा है तो आप प्लीज ये रिवाइटल कैप्सूल है इसका बारे में आप वीडियो देख लीजिए, इसके बारे में हम डिटेल्स इसमें बताया गया है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।